अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मसवदा तैयार, अपोजिशन जमातें एक पेज पर। वज़ीर आज़म की इत्तहादियों के साथ मुलाकातों में भी तेज़ी। अगर तहरीक एतमाद कामयाब हो गई तो फिर क्या होगा? क्या मुल्क फौरी इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? और इस वक्त चूँकि अपोजिशन जमातें भी और हुकूमती इत्तहादी जमातें सरगर्म हैं, सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर है। एक तरफ सिंध हकूक़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन है और अब वो पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। कहा यह जा रहा था कि अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि 48 घंटों में बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे और आज खुशखबरी उन्होंने ये सुनाई है कि 80 के लगभग लोग हैं जो जिन्होंने इस मसवदे पे साइन कर लिए हैं। 69 नंबर्स आपको चाहिए अगर आपने तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है और उसकी मंजूरी के लिए आपको 178 नंबर्स पूरे करने होंगे। तो क्या अपोजिशन ये कर पाएगी? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पर उम्मीद है, हुकूमत पर उम्मीद है कि वो ये माजी की तरह, अगर हम तहरीक अदम एतमाद की बात करें तो पहली दफ़ा 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक पेश की गई और वो भी नाकाम हुई और मोहतरमा को 4 वोट ज़्यादा मिले। इसी तरह 2006 में परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, वज़ीर आज़म थे शौकत अजीज़ साहब, तो शौकत अजीज़ साहब के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि अगर तहरीक एतमाद पेश करती है अपोजिशन तो ये इनकी सियासी खुदकुशी होगी। और जितने भी दानिश्वर हैं, तजियाकार हैं, सियासी पंडित हैं, उनसे हमारी बात हुई, वो ये समझते हैं कि ये गलती अपोजिशन ये गलती करेगी और अगर इसने ये गलती की तो सही मानों में ये इनकी सियासी खुदकुशी होगी। चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉन्फिडेंट हैं और खाली नंबर गेम्स का नहीं, यहाँ पर बड़ी और कुवतें भी हैं जो जिनका अमल दखल बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के हक़ में जाता है और माहौल ऐसा नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को उनकी सीट से हटाया जाए। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। नंबर्स गेम्स क्या हैं, मुल्क की हालात किधर जा रहे हैं, इकॉनमी हमारी किस तरफ जा रही है, डिप्लोमेसी किस तरफ जा रही है, और इन तमाम अमूर पर जो शख्सियत अबूर रखती हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं और हमेशा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियत की बात करते हैं, जनाब खलील अहमद नैनी ताल वाला साहब दानिश्वर हैं, मुमताज़ सनतकार हैं, सफारतकार हैं, कालम निगार हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। खलील अहमद साहब, किस तरह देखते हैं सियासी मंजरनामे की अगर हम बात करें? आपने 60s की सियासत भी देखी, 70s की भी देखी, फिर ज़ियाउल हक़ साहब की सियासत, निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक, बड़ी तहरीकें चली। अब तहरीक अदम एतमाद आ गई। पाकिस्तान की तारीख में 2 ही तहरीक अदम एतमाद आई, जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र भी किया, नाकाम रही। आप क्या समझते हैं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी? ज़री साहब शुक्रिया आपका। पहली तो मिसाल मैं आपको दूंगा लेटेस्ट जी, सेनेट में इनके पास पहली अक्सरियत मौजूद है, बिल्कुल अपोजिशन के पास। ये अपना नहीं अपने नंबर पूरे कर सके, ठीक, तो ये तो बाहर के नंबर लाने की बातें कर रहे हैं, सही। तो जब अपने नंबर जो आदमी इस्तेमाल पूरा ना कर सके, इसका मतलब है इनके अंदर ही इंतशार मौजूद है, ठीक, या इनके अंदर ही भी पीटीआई की तरह बागी मौजूद है, सही, जो एन मौके पर या बीमार हो जाते हैं या साइड लाइन हो जाते हैं या अपना किनारा बचा जाते हैं, ठीक। रही बात अदम एतमाद की, इनका कहना यह है कि जी हमने 24 हमारी इतला के मुताबिक 24 जो है पीटीआई के बागी अराकीन के साथ रब्ता कर लिया है और उनकी हमें पूरी आशीर्वाद हासिल है। देखिए आशीर्वाद जब तक वोट के अंदर ना जाए बंदा देने के लिए और वोट के स्टैम्प ना करे, आशीर्वाद की कोई वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल ठीक। आपने देखा सेनेट की जब जंग हो रही थी तो जरदारी साहब ने दावा किया, जबकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका बंदा जो है वो सेनेट में आकर कामयाब भी हो जाएगा। तो हमारे मुल्क की सियासत का कोई एक वो नहीं है जिससे कैसे हैं कम इथिक्स नहीं है, आप कह रहे हैं कोई नहीं है, कोई भी किसी वक्त भी कितने करोड़ में इधर उधर हो जाएगा, ठीक। और फिर अगर करोड़ों में नहीं होता तो फिर टेलीफोन पे होता है, बकौल नून लीग वालों का, टेलीफोन ना आए तो हम वो करेंगे, सही। मौलाना साहब असल में डे वन से बदकिस्मती से पहली मर्तबा इख्तिदार से बाहर निकले, ठीक, और जो उनके साथी उनको पकड़ पकड़ के बिठा भी लेते थे वो भी अब कभी हाँ कहते हैं कभी ना कहते हैं। कभी पीपल्स पार्टी हामी भर लेती है और कभी यही पीपल्स पार्टी है जो कहती है नहीं जी हमें ये मंजूर नहीं है, ये मंजूर है। सही। तो अभी तक ये टग ऑफ वार इनके अंदर भी चल रही है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने में कोई कबाहत आएगी। अलबत्ता थोड़े झटके लगेंगे और वो झटके भी इमरान खान के, मैं ये समझता हूँ ये जो उनके अपने साथी हैं ये खुद हस्ब इख्तिलाफ के कान मरोड़ते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं कल पढ़ रहा था फवाद चौधरी साहब कहते हैं वो ला के देख लो जी अदम एतमाद को, हम 1 साल से सुन रहे हैं। सही। अरे वो बंदा अगर थोड़ा सा वो भी होता है ढीला तो आपने उसको और पक्का कर दिया। लोग तुमसे कहते हैं कि भाई चलो यार क्यों अदम एतमाद ला रहे हो, जमहूरियत की ट्रेन चलने दो। हमने 5 साल जरदारी साहब की हुकूमत देखी, 5 साल हमने नवाज शरीफ साहब की देखी, तो 5 साल इमरान खान को भी करने दो तो बंदा थोड़ा सा ठंडा होता है। ठीक, लेकिन ये गर्म कर देते हैं, ये और उसको गर्म करते हैं। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने टेलीफोन का भी जिक्र किया और हम भी समझते हैं आप भी कि खाली 172 नंबर पूरे करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो तीसरी कुव्वत है उसकी अशरुबात भी आपके कंधे पे होंगी तो बात बनेगी ना। उसके बगैर तो 172 नहीं आएंगे नंबर। देखिए ना वो अगर उन जिन 2400 का जिक्र कर रहे हैं उनका जहाज भी तो डोलता रहता है। सही, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ने अभी बात की तो बड़ा मामला ठंड हो गया। पहली दफ़ा हमने देखा कि इतना प्राइम मिनिस्टर ने जहांगीर तरीन साहब से बात की। और यही तो मैं कहता हूँ कि नवाज ये जहांगीर तरीन साहब हों या XYZ हों या MQM है मिसाल के तौर पर या चौधरी बिरादरान है, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए अपने इत्तेहादियों के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी रखें और इनको अपने हवालियों के हवाले ना करें। ठीक, क्योंकि इनके हवारियों में इतने टप्पड़ नहीं है कि वो इनका वजन उठा सकें। सही, वो तो बल्कि मैंने बताया कि अपने ही लोगों को क्या कहते हैं वजन करते हैं, अपने ही लोगों में एक दूसरे के अंदर पार्टी खेलते हैं। अब वो देख लीजिए पेशावर में जी, वहाँ उनके इख्तलाफात हैं। सही, अच्छा, इख्तलाफात बिल्कुल हैं और इत्तहादियों के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स अब तेज़ी से हो रही हैं। पिछले 4 दिनों में 2 दफ़ा वो चौधरी बरादरान से मिले। चौधरी बरादरान को आप बड़ा करीब से जानते हैं, उनकी सियासत को भी जानते हैं, समझते हैं। आपको लगता है कि वो इन नामुसाद हालात में और इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी चीज़ें उनको मिली हुई हैं, वो इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या इस इत्तहाद को और उन कुव्वतों को नाखुश करके वो PML-N की तरफ छलांग मारेंगे? असल में PML-N से उनके बहुत ही कहते ना कि 14 साल के बाद वो मिलने आए। बिल्कुल ऐसे ही इसका मतलब इतने इख्तिलाफात, हाँ, इतने उन्होंने इनको झटके दिए, किसी वक्त भी आ सकते थे। जब वापस आए थे लेकिन ना मुशर्रफ साहब ने तो तोड़ना था ना PML-N को, तो उन्होंने काफ लीग को बनाया। सही। जब ये आए थे तो इनकी अक्लमंदी यही थी जो कि अपना जरदारी साहब करते हैं कि अपने दुश्मन नहीं पैदा करते। सही। ये दिन दहाड़े दुश्मन पैदा कर लेते हैं, फ़ौरन कह देंगे नहीं हमने काफ लीग को से बात ही नहीं करनी। सियासत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए जाते हैं, हमेशा दुश्मन से भी बातचीत करते हैं। ये तो आपके सजन रहे हैं, ये तो आप ही के, आप इनके बलबूते पे भी तो हुकूमत करते रहे। बिल्कुल करते रहे। तो फिर अगर कल को आप नहीं थे, इनको फौज ने दबाया, इनको हालात ने दबाया, इनको वाक़यात ने दबाया और आप भी नहीं थे, तो लिहाजा आपको समझना चाहिए था यार इनकी मजबूरी है, चलो कोई बात नहीं। आते इनको अपने साथ गले मिला लेते। सही। नहीं किया, जरदारी साहब ने फ़ौरन उनको जो है नायब वज़ीर आज़म बना दिया। वो खुद साथ मिला के 5 साल पूरे भी किए, 5 साल में आराम से पूरे किए। सही। दुश्मन को हमेशा गले लगा के रखो। एक मैंने एक मजा वो सुना था, एक औरत ने का सोतेला बेटा था, उसको सर पे बिठा के घूमती थी, तो उसने कहा कि ये तुम अजीब हो, पहली औरत हो कि तुम अपने सोतेले बेटे को सर पे बिठा के घूमती हो। तो उसने कहा मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अरे जबरदस्त, क्या बात है। तो ये कम से कम तरीका होता है ना हर चीज़ को हैंडल करने का। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एंट्री मार रही है। पहले चौधरी बरादरान हैं, वज़ीर आला की जंग वैसे ही वहाँ पे चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि अगले 2023 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें कुछ शेयर्स हमें पंजाब से मिलें। आपको लगता है कि जो जिस पार्टी की बुनियाद लाहौर से रखी गई थी उसका दोबारा वहाँ पे आपको कुछ सर्वाइवल लग रहा है? देखिए, बिलावल साहब को भेजा तो है उन्होंने कुछ उबाल लाने के लिए कि हालात कुछ चेंज करें, कुछ उनकी वजह से हलचल तो है सही, लेकिन अब क्या एमक्यूएम ये पीएमएनएन और काफ इतनी जगह देगी कि इनको सिंध वालों को यहाँ इजाज़त मिले या वो मिले? इस पे तो नून लीग का बड़ा एक ऑडियो भी आई है और वैसे भी उनका स्टांस है कि हम कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में तो जगह नहीं देंगे। कोई नहीं देता। देखिए, कोई काम करता है तो जगह बनती है। काफ लीग ने काम किया था तो जगह बनी, बिल्कुल। नून लीग ने आज तक काम किया है, जगह बनी। हमारा आप मिसाल देखिए, इमरान खान के 10 इलेक्शन में 10 के 10 बाई इलेक्शन हार गए, बिल्कुल हार गए। उसके बावजूद उनके जो अपने साथी हैं वो आज तक लुड्डी डाल रहे हैं कि जी हम आने नहीं देंगे, हम जाने नहीं देंगे। एक साहब ने तो 28 तक का ऐलान कर दिया, 22 की बात तो छोड़ें आप। शिबली नवाज साहब, शिबली फराज साहब ने कहा कि जी हम तो 28 तक रहेंगे। तो ही है। अब देखिए एक शायद फवाद चौधरी उससे आगे नंबर ले जाए। आपके कराची वाले असद उमर साहब भी कह चुके हैं ये बात 28 तक। कहने में क्या जाता है, उन्होंने तो ये भी कहा था स्टील मिल नहीं बिकने देंगे, और जब स्टील मिल बिक रहा था तो यही उसको बेच रहे थे, ये खुद नहीं गए वहाँ पर उसको रोकने के लिए। तो ये कहने की बात और होती है कि अमल की बात दूसरी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंजाब चूँकि फिर मरकज़ बन गया सियासत का, आपको लगता है कि जिस तरह अभी जितनी बात चल रही है, इत्तेहादी हों या अपोजिशन की जमातें हों, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि पहले पंजाब में तहरीकत में अतमाद लेके आए उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, तो आप ये समझते हैं कि ये अपोजिशन ये कार्ड खेलेगी कि पहले हम पंजाब जाए? देखिए, दोनों जगह मज़े की बात ये इत्तेहादियों को तोड़ने की बात है, और दोनों जगह जो निशाना बैठ रहा है वो जहाज़ वालों पे बैठ रहा है। सही कि जी जहाज़ तो, वाले इधर उधर हो जाए। हाँ, ये उन्होंने कहा था ना कि जी जहाज़ कहीं भी जा सकता है, तो फिर जहाज़ वालों को मनाने के लिए हमारे इमरान खान साहब ने कुछ दोबारा बात तो की है, बिल्कुल। और फिर उनको ये बेहतर है कि कौन ज़्यादा है हम दोनों में, आया इधर जाऊँ तो मैं बेहतर हूँ या इधर जाऊँ, तो उसमें फिर भी इमरान खान की पार्टी में उनको फिर भी इज़्ज़त मिलती रहेगी। लेकिन बाहर की पार्टी में तो आपको वक्त तक इस्तेमाल होता है, उसके बाद टिशू पेपर की तरह उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक, तो ये इनसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये जहाज़ वाले अभी रिस्क लेंगे, क्योंकि उनके पास भी एक बहुत बड़ा करप्शन का केस जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है। सही, लेकिन जहाज़ वाले जो है ना वो बड़े जहाज़ वालों के बड़े करीब हैं, तो इतनी आसानी से तो ज़ाहिर है वो इधर उधर नहीं होंगे ना, क्योंकि मामला तो चलते हैं, बिजनेसमैन तो इस तरह नहीं जाएगा, और उनका तो पंजाब तो स्टेक लगा हुआ उनका, तो अपोजिशन खाम ख्याली में ही है। जो मेरी इनसाइट्स हैं, जो हमारी बात भी हुई है उस तक, तो अभी जहांगीर तरीन कम से कम अपोजिशन के साथ तो नहीं जा रहे। हाँ, थोड़ा सा ज़ाहिर है वो अपना वेट जरूर बढ़ा रहे। यस, उनको नेगलेक्ट किया था तो उसको उन्होंने महसूस किया, 2 दफ़ा एहसास भी दिलाया, बयानात भी दिए, तो फिर अब इमरान खान साहब ने जैसी अदम एतमाद की हवा चली उनको फिर पकड़ लिया। उनको चाहिए पकड़ के बिठाए रखें, छोड़ा ना करें, क्योंकि आजकल हर चीज़ बिकाऊ है, यूँ समझ लें पाकिस्तान में हर चीज़ बिकाऊ, हर चीज़ सेल के लिए लगी। अच्छा, जरदारी साहब की सियासत को मफामत की सियासत कहा गया, एक नई टर्मोलॉजी 2008 में जब वो आए, क्यू लीग जिसको कातिल लीग कहा गया, उन्होंने गले लगाया, जो आप पहले भी बात कर रहे थे, और बड़े तरीके से वही जो आपने मिसाल दी थी औरत वाली कि ठीक है बुरे लग रहे हैं लेकिन सर पे बिठाएंगे, तो उन्होंने बिठा के दिखाया। उन्होंने वो काम कराए जो मुस्लिम लीग नून से भी, जो कहते थे कि हम लड़काना की सड़कों में घसीटेंगे, इनके पेट से करप्शन के पैसे निकालेंगे, उन्होंने इनको दावत दी, बुलाया, बिठाया। कहा यह जा रहा है कि बी टीम है पीटीआई की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दिखावे के लिए तो प्रोटेस्ट इनका हो रहा है, लेकिन ये सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को 5 साल के लिए और अपने आप को सिक्योर करेंगे 2023 के इलेक्शंस के लिए। असल में माजरत के साथ पीपल्स पार्टी जो ना वो सिंध के अंदर बस खुश है, वो ये कहती है कि मरकज़ भले हमें मिल जाए 2-4 सीटें इस तरह लड़ाने लुड़ने के लिए, लेकिन सिंध हमारे हाथ से ना निकले। अगर अच्छा, जो हमारे सेटलमेंट करने वाले लोग हैं वो उन्होंने पहले पिछले इलेक्शन में उनको नहीं टच किया, सबको टच किया, इनको नहीं किया। बिल्कुल सही है। तो इसलिए उनकी भी बेहतरी इसी में थी कि भाई चलें हम हर जगह तो हाथ ना डालें, कम से कम इसको इस सिंध वाले में हाथ छोड़ दें। उसके लिए जरदारी साहब यानी मेंटली तैयार रहते हैं सही कि भाई इधर कोई हाथ न डाले क्योंकि ये हमारी ममलिकत है सही। नवाज शरीफ की ममलिकत पंजाब है, ठीक है, ना बलूचिस्तान है ना केपीके है सही। तो वो भी यही कहते हैं कि जी हमें पंजाब में ना कोई तंग करे, लेकिन पंजाब में तंग करने के लिए काफ लीग बन गई। सिंध के अंदर तंग करने के लिए कोई वो नहीं है क्योंकि कराची के जो वोट हैं कभी उन्होंने पीपी को वोट ही नहीं दिए माजरत के साथ नहीं दिए और पीपीपी ने कभी कराची वालों के लिए काम भी नहीं किया। तो दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने अपने कॉलम में पिछले हफ्ते जिक्र किया है कि बदकिस्मती से कि इन दोनों के सितारे लियो टाइप के हैं कि दोनों एक दूसरे के अंडर में आने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। तो इस वजह से हाँ, अगर जरदारी साहब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और बिलावल को आगे करें, जैसे एक कराची की सीट पहली दफा सईद गनी ने निकाली, उसकी वजह ये थी उसने अपने इलाके में काम किया था तो लोगों ने वोट दे दिए। अगर यही लोग वहाँ और ये सब मिलकर जो जिन के अपने इलाके हैं उनमें जाएं, बात करें, दिखाएं कि भाई देखें हम ये काम कर रहे हैं, नौकरियां दें कराची के लोगों को। असल देखिए इस वक्त हमारे नौजवान फ्रस्ट्रेटेड हैं, उन्होंने पीटीआई को आजमाया, पीटीआई तो उससे ज्यादा खराब निकली क्योंकि पीपीपी तो डिक्लेयर थी ना, डिक्लेयर थी, इनके पे थोड़ा सा तकिया था और बड़े अच्छे कराची के अच्छे लोगों ने इनको वोट दिया, इतनी बड़ी उनको कामयाबी दिलाई, उन्होंने एक सीट नहीं दी, बल्कि हत्ता के कराची पोर्ट ट्रस्ट में भी जो लगा दिया कि जी कराची के उम्मीदवार अप्लाई ना करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8.5 लाख वोट मिला था जब एमक्यूएम का तूती बोलता था, ऐसा नहीं था कि एमक्यूएम नहीं थी, उस वक्त एमक्यूएम सही थी और लंदन वाले भी बिल्कुल एक्टिव थे। और 2018 में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी दिया, यहाँ से सदर भी दिया, आपके दोस्त हैं बड़े, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। मुराद अली शाह, जब मैं चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, मुराद अली शाह जब CM बने, कायम अली शाह चूंकि हटे, तो मुराद अली शाह एक बड़ा सॉफ्ट कार्नर और कराची में जिनकी एजुकेशन कराची से थी, ये कराची में पले बड़े और ये कराची के लिए काम करेंगे, तो उन दिनों ये बयानिया बड़ा चल रहा था। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि मुराद अली शाह भी उसी रंग में रंगे जो कलंदरी रंग है सिंध का। तो आप PTI भी कुछ नहीं कर रही तो कराची वालों के लिए कौन करेगा? इस्लामाबाद भी कुछ नहीं कर रहा, बराबर में पिंडी है, वो भी कोई खास। अभी आर्मी चीफ साहब आए थे और पहले जब बारिशों में भी आए थे, उन्होंने कहा था 3 साल में कराची डेवलप चाहिए, तो वो नाले शाले तो साफ हो गए, बाकी तो डेवलपमेंट नहीं हुई। 1700 अरब का वादा करके वजीर आजम ने 17 रुपए नहीं दिए, अंदाजा लगाएं जी। ये चंद बसें भिजवा दी और उस पर चर्चा इतना किया जैसे मालूम होता कि कराची को भी। FBR की रिपोर्ट है कि जी हमने 1 ट्रिलियन सिर्फ कराची से टैक्स इकट्ठा किया। बताइए, पूरे मुल्क का टैक्स 82% कराची उठाकर दे रहा है और उसके ऊपर आप 10% खर्च करने के लिए तैयार नहीं, तो कितनी यानी शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खलील अहमद साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस कैसा रहा और मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या सोच रही है और खित्ते में जो ग्रेट गेम है वो किस तरफ रुख करेगी और रूस और चीन का किरदार क्या होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।